केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, कांग्रेस पार्टी में अभी महिलाओं का सम्मान नहीं रहा। प्रियंका गांधी कहती हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन वो किससे लड़ रही हैं? कांग्रेस पार्टी के ही लोग महिलाओं को टंच माल और आइटम कहते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं। ऐसे लोगों का विरोध करने के बजाय कांग्रेस में इन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है, विधानसभा चुनाव में टिकट दिए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर मध्य प्रदेश की महिलाओं से झूठ बोल रही है, उन्हें छलने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से महिलाओं का भरोसा जीता है, उसके सामने कांग्रेस का हर झूठ, महिलाओं को भ्रमित करने की हर साजिश नाकाम होगी। भाजपा महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को फांसी पर लटकाने का फैसला लेती है, तो दूसरी तरफ कन्या पूजन को नौटंकी बताने वाली कुकर्मी कांग्रेस है, जो महिला उत्पीड़न करने वालों को टिकट देती है, उन्हें पुरस्कृत करती है। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 82 लाख महिलाओं को रसोई के काले धुएं से छुटकारा दिलाया है। जनधन में 3 करोड़ 70 लाख महिलाओं को खुद के खाते दिए, ये मैं मध्य प्रदेश का आपको बता रही हूँ। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में 44 लाख से अधिक माताओं को 1600 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जा चुकी है और 46 लाख बेटियां हमारी लखपति बन चुकी हैं। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा काम करने का, और दूसरों का ट्रैक रिकॉर्ड है महिलाओं के प्रति अभद्र वातावरण बनाने का और अभद्र शब्दों के प्रयोग का। तो जो हम कहते हैं वो करते हैं, और सब महिलाएं देश की और खास तौर पे मध्य प्रदेश की, उनके मन में प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर है, बहुत गहराई तस्वीर है, क्योंकि सबका भरोसा उन्होंने जीता है उनके लिए काम करके। और आज आंकड़े बताते हैं कि किस प्रकार से ये काम का लाभ डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश को दिया है। श्रीमती लेखी ने कहा कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी कमलनाथ जी महिला को आइटम कहते हैं। वडनगर के कांग्रेस विधायक मुरली वोरवाल के बेटे पर महिला उत्पीड़न का मामला दर्ज है। सोनकक्ष से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन कहते हैं। मुलताई के सुखदेव पासे महिला को नाचने गाने वाली कहते हैं। जबलपुर पश्चिम से प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री तरुण भनोट महिलाओं को बेवकूफ कहते हैं। गंधवानी से प्रत्याशी उमंग सिंघार महिला उत्पीड़न करते हैं। अटेर के प्रत्याशी हेमंत कटारे पर रेप का आरोप लगाने वाली युवती आत्महत्या कर लेती है। कोतमा से कांग्रेस प्रत्याशी सुनील सराफ और सतना से कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा ट्रेन में महिला से छेड़खानी करते हैं। श्योपुर से प्रत्याशी बाबू जंडेल एक महिला पुलिस अधिकारी से फोन पर गाली गलौज करते हैं, तो परासिया से प्रत्याशी सोहन वाल्मीकि के बेटे आदित्य वाल्मीकि लड़की की अश्लील तस्वीरें वायरल करते हैं। प्रियंका जी जो कहती है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मगर वो किससे लड़ रही है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि लड़ाई में महिलाओं का पक्ष जो है वहां कहीं पर अनदेखा किया गया है, और उसमें मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ। सबसे पहला उदाहरण तो यहाँ पर पूर्व में यहाँ के बड़े नेता जो महिलाओं को टंचमाल कहते हैं, वो आज भी पार्टी में है, और कन्या पूजन की नौटंकी कुछ लोग करते हैं, उनको टिकट दी जाती है, जो कि दुष्कर्म में लिप्त हैं। ऐसे ही कांग्रेस लगातार भ्रमित कर रही है महिलाओं को मलिन मन से, बिना शर्म के उन लोगों को संरक्षण दे रही है जो कि महिला उत्पीड़न में लगातार शामिल है और झूठ बोल रहे हैं। सोनकच्छ से कांग्रेस के उम्मीदवार सज्जन वर्मा जी ने कहा कि महिलाएं बच्चे पैदा करने की मशीन है। मुलताई के सुखदेव फांसे ने कहा कि नाचने गाने वाली है। जबलपुर पश्चिम के प्रत्याशी तरुण भनोट ने महिलाओं को बेवकूफ बताया। गंधवानी से प्रत्याशी उमंग सिंघार ने महिला उत्पीड़न करते हुए उनको रंगे हाथ पकड़े गए। अटेर से प्रत्याशी हेमंत कटारे पर रेप का आरोप दर्ज है, जिसमें युवती ने आत्महत्या कर ली थी। कोतमा से कांग्रेस प्रत्याशी सुनील सराफ और सतना से कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा ट्रेन में महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हुए पकड़े गए। श्योपुर के बाबू जंडेल एक महिला पुलिस अधिकारी से फोन पर गाली गलौज कर रहे थे। परसिया से प्रत्याशी सोहन वाल्मीकि के बेटे आदित्य वाल्मीकि लड़की की अश्लील तस्वीरें वायरल करते हैं।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।